के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहते ही राहते। आकांक्षा चाची ऊपर है? आकांक्षा वहां नहीं है, टेरेस टेरेस वहां देखना भूल गई, मैं देखती हूँ। ठीक है। आकांक्षा क्या हुआ बेटा, उठो। मैंने तुम्हारे माँ से वादा किया था कि तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, एक बेटी की तरह रखूंगी। आज तुम कुछ नहीं बोलोगे मेहर। इसकी गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो मेहर। मैंने इसे तुम्हारे साथ इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, भरोसा था। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। डैड, मैं आपकी कंडीशन अच्छे से समझ सकता हूं। एक तो पहले ही आप इस इलेक्शन की वजह से इतने परेशान हैं और ऊपर से ये सब कुछ हो गया। डैड, आज तो आपका कैंपेन भी शुरू हो रहा है ना। मैं जानता हूं कि इस बार इलेक्शन आप ही जीतेंगे डैड, और रही बात ऑफिस की तो हर बार की तरह मैं सब संभाल लूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और डैड, रही बात रोहन की तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे उसकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूं डैड, लेकिन मेरी डैड आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं, मैं इससे बात करता हूं। एक मिनट, मैं रोहन से बात कर रहा हूं। आज तुमने आकांक्षा को घर में बंद करके रखा था ना, अब इस घर में तुम बंद रहोगे, तुम्हारा घूमना फिरना सब बंद। मामला काफी सीरियस लग रहा है, कुछ दिनों के लिए यूटर्न लेना बहुत जरूरी है। रोहन रोहन रोहन, कितने दिनों के लिए तुम मेरा सर का दर्द बने रहोगे? क्या करूं मैं तुम्हारा? इडियट कहीं की, आज इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई। रोहन, रोहन। जी बड़े पापा। मैंने तुमसे कहा था कि बाइक की चाबी वापस दो। वो मैं बस आपके पास ही आ रहा था। चाबी दो।
रोहन, अब तुम अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स मुझे वापस करो। क्रेडिट कार्ड्स क्यों बड़े पापा? वो इसलिए कि जब तुम घर में बंद रहोगे तो क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरत है? जाओ लेके आओ। तुम्हें सुबह सुबह बहस नहीं, मारपीट अच्छी लगती है। अगर तुम लड़की नहीं होती ना तो मैं तुम्हें बताता। जी बड़े पापा। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे। कैसी जिम्मेदारी बड़े पापा? तुम रोहन पर नजर रखोगी। इसने कभी घर से निकलने की कोशिश की तो तुम मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम थी उसे ऐसे सबके सामने लाने की क्या जरूरत थी? सबके सामने मैं नहीं, तुम लाइयो बात को। अरे तुम्हें तो मजा आता है सबको ये सुनाने में कि मैं तुम्हें कितना टॉर्चर करता हूं। आकांक्षा को तुमने मुझसे पूछकर उसे वॉशरूम में बंद किया था। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। जी मैंने अपनी गलती के लिए इससे माफी मांग ली, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस घर में मेरे फैसले पर कोई भी सवाल नहीं करता है, सब सिर्फ मेरे फैसले को मानते हैं। और आज मैं तुम्हारे साथ जो कर रहा हूं ये मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। तुम्हारी हर छोटी जिद को मैंने बचपना समझकर पूरी की। मुझे लगा कि एक दिन तुम अपनी जिम्मेदारी को समझोगे, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम ये मत सोचना कि तुम्हें घर में आराम से टाइम स्पेंड करना है। बाहर भी नहीं जाना है और घर में भी नहीं बैठना है, फिर मैं करूंगा क्या ताऊ जी? तुम घर में ऑफिस का काम करोगे, मैं कुछ फाइल्स भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए। बाहर ही नहीं जाना तो कपड़ों का क्या करूं? इस तरह अपनी चीजें फेंकने से क्या होगा? तुमने बहुत बड़ी गलती की है रोहन। हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम थी उसे ऐसे सबके सामने लाने की क्या जरूरत थी? सबके सामने मैं नहीं, तुम लाइयो बात को। अरे तुम्हें तो मजा आता है सबको ये सुनाने में कि मैं तुम्हें कितना टॉर्चर करता हूं, तुम्हें कितना सताता हूं। तुमने अपना बदला ले लिया, मिल गई तसल्ली तुम्हें, मिल गई ठंडक। तुम्हें गलत फहमी हुई है रोहन,
मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। मुझे दूसरे औरतों की तरह चुगली करने की कोई आदत नहीं है। अच्छा, तो तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, तो उन्हें पता कैसे चला? सबने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। तो रखो नजर मुझ पे और जाओ बता दो सबको कि राय परिवार का कितना नुकसान किया है मैंने। जाओ बताओ। ये सब क्या है रोहन? देखो रोहन, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे भलाई के लिए हो रहा है। अगर तुम पहले से रेस्पॉन्सिबल होते तो ये सब नहीं होता। अब भी मौका है, सुधर जाओ। बड़े पापा ने तुम्हारे लिए फाइल्स भेजी है, देख लो। अब ये बदतमीजी बंद करो और काम पर ध्यान दो, समझे? राजू अंदर आओ। राजू वो फाइल्स घर भिजवा दिए? जी सर। गुड। किसको दिए फाइल्स? सर गीता मैम को दिया था। ठीक है तुम जाओ। ओके। दरवाजा बंद कर लेना। रोहन फाइल्स मिली? क्या करूं मैं फाइल्स का, अचार डालूं या कचड़े में फेंक दूं? आकांक्षा को तुमने मुझसे पूछकर उसे वॉशरूम में बंद किया था? ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। किसने कहा था तुम्हें कि बेवकूफों की तरह उसे वॉशरूम में बंद कर दो? और हर बार ये बच्चों की तरह मेरे पास प्रॉब्लम आना बंद करो। शादी हो गई है तुम्हारी, बड़े हो गए हो तुम। आप ही की वजह से मेरी शादी हुई है। और आप ये मत भूलिए कि आप ही ने मुझे शादी के लिए कहा था, और अब मुझे फंसाकर खुद पीछे हट रहे हो। रोहन मैं अभी ऑफिस में हूं और मुझे बहुत काम है। उन फाइल के साथ तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन उसके बाद उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। फिर मुझे फोन करके रोने मत लगना। अब फोन रखो, मुझे बहुत काम है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। रोहन 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 शांत हो जाओ। देखो गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करो, अपनी जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं और मैं चुपचाप देखता रहूं? अरे इतना सीरियसली मत लो, ये तो बस उस परिवार को चुप कराने के लिए शादी की बात रखी है। एक तरीका है, कुछ दिनों के लिए उनकी नजरों में तुम अच्छे बने रहो, जैसा वो चाहते हैं वैसे बन जाओ, फिर देखना वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। सब एक जैसे, सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। मैं हार नहीं मानू, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं।
आ जाओ, वहां क्यों खड़े हो? संजय बेटा, मैं जानती हूं तुम रोहन की वजह से परेशान हो। उसका गुस्सा तुमने मिहिर पे भी निकाला। ऐसे चिंता करते रहोगे तो इलेक्शन कैसे लड़ोगे? अब तो बस तुम्हें सिर्फ इलेक्शन के बारे में सोचना है। इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूं। आज मैं पार्टी के मीट में गया था और वहां चाहते थे कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करूं, पर मेरी शादी हो गई और क्या माँ, आपने उसके बाद कोशिश नहीं की? नहीं माँ, मैं अभी भी आर्मी जाना चाहती हूँ। मैं पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। कुछ नहीं बेटा, अपने पिताजी के बारे में सोच रही थी। मेरे पिता का एक एनजीओ था, उन्हें दूसरों की मदद करना, सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी कोई मुसीबत में हो तो वो तुरंत पहुंच जाते थे, और बचपन में रोहन भी उनके साथ घूमने जाता था, बहुत एंजॉय करता था अपने नाना के साथ। पापा कहते थे कि जरूरतमंदों की सेवा करना ही देश की सेवा है। यही सही मौका है, माँ से आर्मी की बात कर लेती हूँ। वो तो चाहते थे कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करूं, पर मेरी शादी हो गई और क्या माँ, आपने उसके बाद कोशिश नहीं की? छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हें कुछ काम था मुझसे? क्या बात है आकांक्षा, क्या कहना है तुम्हें? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, बताओ क्या कहना है? माँ, मैं बहुत दिनों से आपसे ये कहना चाहती थी कि शादी से पहले आर्मी ज्वाइन करने वाली थी। पर जिस दिन मैं आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाली थी, उसी दिन पापा का एक्सीडेंट हुआ। पापा, हम पैक करके रेडी बैठे हैं और आप अभी तक पहुंचे नहीं। माँ बोल रही है कि हम लोग अपना फ्लाइट मिस कर लेंगे। तेरी माँ ना जरूर से ज्यादा चिंता करती है। माँ को बोलो कि मेरे जीते जी
ये प्लेन छूट नहीं सकता। जो होना था वो हो गया। अब तुम दिल छोटा मत कर, अब तुम राई परिवार की बहू बन गई हो। तुम्हें आर्मी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। नहीं माँ, मैं अभी भी आर्मी जाना चाहती हूँ। मैं पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं आर्मी में दाखिल होकर इस देश की सेवा करना चाहती हूँ माँ, यही मेरा लक्ष्य है माँ। ऐसा कभी नहीं होगा। इस घर की औरतें बाहर काम नहीं करती हैं। ये बात शादी के पहले ही हो चुकी थी। अब या तो तुम इस घर की बहू बनकर यहां रह सकती हो, या फिर आर्मी ज्वाइन कर सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चली जाओ यहां से। सारा शहर में सबको मालूम है कि आकांक्षा एक साहसी और निडर है। तूने अभी किसी को बताया तो नहीं ना कि तू आर्मी ज्वाइन करना चाहती है?